जय माता दी साहब को। मैं पंडित हरिशंकर आपको आज अपने गुरु के द्वारा प्राप्त शक्ति और एक ऐसा यंत्र बताने जा रहा हूँ जिसे आप 15 का यंत्र कहते हैं। साथ को आप यंत्र लेने की विधि अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं है, और जो नहीं जानता उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि यंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है और उसका उसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कृपया इसे ध्यान से सुने और इस चीज का आप अनुभव करें कि किसी भी यंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको प्रथम अपने गुरु गणेश इष्ट और भैरव जी से प्रार्थना करें और उस यंत्र को साफ सुथरा होकर पवित्र होकर ही लिखें जिससे कि वह यंत्र आपको पूरी शक्ति और सफलता दे सके। आप प्रथम भोजपत्र पे ही यंत्र लिखें, कोई कागज और किसी भी जगह यंत्र लिखने से आपको दोष पैदा होता है। यंत्र लिखने की विधि यह है कि आप भोजपत्र पर लिखें, अनार की या तो चमेली की कलम से लिखें और उसे कर्मिक लिखें। जिस प्रकार उसकी संख्याएं हैं उसी प्रकार उसके खाने को आप भरें, मतलब एक संख्या में जैसे एक जहाँ लिखा है तो वहाँ एक लिखें, फिर नीचे जहाँ दो लिखा वहाँ दो लिखें, या तीन जहाँ लिखा वहाँ तीन लिखें, और जहाँ बीच में अगर उसके पांच है तो पांच लिखें। ऐसे वो कर्मिक ढंग से आप लिखते हुए जाएं, और लिखते समय आपका हाथ यंत्र के ऊपर से उठना नहीं चाहिए। आपका ना हाथ उठे, ना आपके मन में कोई बुरे विचार हो, ना आपके मन में किसी प्रकार की किसी को तकलीफ देने की या कोई भी इच्छा हो, आप स्वतंत्र मन से उस यंत्र को लिखिए, आपको पूर्ण सफलता मिलेगी और आप जिस प्रकार का यंत्र लिखना चाहते हैं उसी प्रकार की भावना आप करें। जैसे आप वशीकरण के लिए लिखते हैं तो उसे माँ सरस्वती का ध्यान करें, लक्ष्मी प्राप्ति के लिखते हैं तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, और आप सर्व सिद्धि प्राप्ति के लिए करते हैं तो माँ दुर्गा का ध्यान करें। इस प्रकार उस यंत्र को आप लिखें, इससे आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी और आपको यंत्र पूरी शक्ति से आपका काम करेगा, आप एक सिद्ध सफल तांत्रिक भी बन सकते हैं। मेरा आशीर्वाद हमारे गुरु दिनेश्वर जी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। किसी भी कार्य को करने से पहले आप अपने गुरु गणेश और इष्ट का स्मरण अवश्य कीजिए। फिर एक बार मैं बता देता हूँ, ओम गुरुवे नमः, ओम इष्ट देवताय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम काली नमः, ओम भैरवाय नमः। इनका उच्चारण आप बैठने से पहले अवश्य करें जिससे कि आपका कोई अनिष्ट ना हो, नुकसान ना हो, और आप अपने हाथ में ओम भैरवाय नमः बोल के काला धागा अवश्य बांधें जिससे कि आपकी किसी प्रकार की हानि ना हो और कोई भी बुरी आत्मा आपका आघात ना कर सके। जय काली, जय भैरवनाथ।